It's a little better than mine. अभी हम क्या ना नीचे के पैरों के अटैक सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे धोले सबसे ज्यादा खाते हैं, तो पैरों के अटैक पे काम करेंगे, मतलब डिफेंस में फिर पैरों के डिफेंस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो आपने नी टच की प्रैक्टिस करनी है, तो डिफेंस करना है तो टच करना है, ठीक है। तो चैलेंज है टच करने वाले के लिए, चैलेंज है डिफेंस करने वाले। तो पहले 5 राउंड नी टच के होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, बाद में लेंगे। इसकी रेसलिंग की देखो बना थोड़ा सी बना दे घूम के इससे क्या में से नहीं इससे बन जाए ना क्लोज सिंगल सिंगल एक आध सी बना दे ले तब तक मैं से हाथ घुमाता हूँ ऐसे है ना ले लो का शॉट होता है ले लो बेटा चला के पूरा ये जाना
बहुत दिन बाद दौड़ा, छाना पड़ गया पैर में आज। आज खुलखंडी पहुँचने दम निकल गया भाई। आपने नॉर्मल चलना है तो वो भी आपके ध्यान में है, आपके ध्यान में। अब देखो जहाँ जहाँ वो गलती करेगा वहाँ आपने ये दिखाना है ना, ये गलती है यहाँ की, ये हाथ ऊपर दे दिया है, ये हाथ ऊपर दे दिया, ये यहाँ गलती है, ये आपने करना है। खाली ये यूज़ मत करो, ये मत करो, ऐसे लगा जाता है। आप बस वहीं रुक जाना है, पूरा घुसना नहीं है। अगर ये होल्ड आ गया आप कामयाब हो, अगर उससे पहले उसने पैर फेंक उसका डिफेंस कर लिया तो आप जाएंगे यहाँ से। ये ठीक है, पैर बचा करो भाई, ये से ले लिया बाहर, किसी से हो गए लिया, उसे बचा लिया। ये करना है, दिखाना नहीं है खाली। इधर से ही आ जा बेटे, ठीक से आ अंदर है, जल्दी कर रही। इस समय हमारा हाथ जाए पीछे, गर्दन ना बोलने चाहिए, अंदर जाके गर्दन ना बोल जाएगी। डाउन मारेंगे घुटनों से, गर्दन से डाउन नहीं मारेंगे, घुटनों से डाउन मारेंगे, यहाँ से जाएंगे गर्दन एकदम से आएगी ऊपर। घुटनों से डाउन मारेंगे, गर्दन से नहीं। घुटनों से डाउन मारने का मतलब घुटने टिकाना थोड़ी होता है, घुटनों से डाउन मारने का मतलब ये आगे लिया, ये लिया, फिर ये ले लिया। आप घुटने टिकाओगे, घुटना टिकाने का मतलब है आप वहाँ होल्ड हो गए, जीरो हो गए आप, वहाँ उसका कुछ कर नहीं सकते आप। बैंड करना है केवल मेरे को, अटैक करने वाले आप बिल्कुल काम से ये हाथ जाए, पूरी पूरा पूरी नहीं जाए तो ये ऊपर का हिस्सा यू जाएगा, पैर आगे जाएगा, फिर दूसरे जाएगा, क्या कर रही थी? हाँ पूरी चले जाएगा, पूरा शरीर चले जाएगा आपका, तो फिर वापस कहाँ आओगे? वो भाई आप डाउन भी कर सकते हैं।
लेकिन घुस के पूरा ये हो जा रहे हो डाउन हो गया। आपका केवल ऊपर का जो बॉडी है वो मूव करेगा, ये डाउन ये गया। आप बोलना आ जाए इंटरव्यू ले रहे हैं जी का, थोड़ा बातचीत करेंगे ना, स्वागत करेंगे वीडियो में। पता नहीं क्या कर रहे थे जो आप कर रहे हो वो एंकल होल्ड में करेंगे भाई। मेरा फोन नंबर का अंगो क्यों मैच नहीं भेजना? कौन कर दूँ मैच भेज दूँ सीधा, देखेंगे भाई कॉल कर दो। चलिए पोजीशन। हेलो पा राजू सर यहाँ पे ना वीडियो बनाते हैं इंटरव्यू की। ओके सर। नहीं आप आओगे तो बनाएंगे ना। हाँ तो प्रैक्टिस कर देना, प्रैक्टिस की जो इंटरव्यू की वीडियो होगी वो बातचीत करेंगे ना, स्वागत करेंगे वीडियो में। प्रधान जी आएंगे क्या वो क्या ना जी बिठा दी, थोड़ा बिठा दी उसको मैट को। हाँ खाना कैसे हो गया? हाथ जाना सिंगल में, हाथ डालना अंदर में। नहीं है वो होल्ड नहीं करना भाई, होल्ड नहीं करना, हाथ नहीं पकड़ना, हाथ नहीं पकड़ना। बढ़िया है बढ़िया है, बस छोड़ दो। जिमानी जिमानी नहीं हो रहा है अभी। पापा क्या नहीं देखे क्या कर देती उसने? पानी बहुत तलिया खा गया ऊपर से रखा मेरे वाले। ओके चलिए पोजीशन। अंदर आ जाओ बेटे, इतना बाहर भी जा रहे हो, अंदर के पानी भर रखा। यस स्टार्ट। कमर डाउन करनी है आप दोनों को बेटे, कमर डाउन किया। नहीं ये पैर आगे रख के कमर डाउन करो। चलिए
खाना नहीं है शिवानी, पूरा अटैक मारना है, पैरों का यूज भी होगा उसके लिए। अरे खाली डिफेंस, ये हाथ पीछे का जा रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा? ये आ जाएगा, छोड़ 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 तुरंत, दोनों कर सकते हैं। इसके नाम भी दिखा दूंगी, कोशिश किया करो बेटा, अंदर घुसते कर देना, पोनी दिया आपकी घुसने नहीं दिखने, मेगा इतना दिखाते हो इसलिए आप घुस नहीं पाते, घुसना टिकेगा अंदर जाके, पहले से पहले घुस नहीं दिखा दोगे आप। ये माइक लगाते थे, आप क्या कर रहे हो बेटे? मैंने एक बार बता भी दिया, आपने जब सिंगल टू डबल जाना है या अंदर से निकालना होता है आपको, तो आप यहाँ से ये चलाएंगे और ये डाउन मार के ये लेंगे, अरे समझ गए? आपकी ये जो बॉडी नीचे वाली बॉडी वो वहीं रुक जाएगी, बल्कि ये पैर आगे आएगा ये यहाँ। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ से ये लेके और पूरे के पूरे ये जा रहे हो, वो एक्शन किसका है? एंकल का है। तो यहाँ से जब आप ये चलते हो ना, ये वाला, तो ये वाला एक्शन है, तो दोनों को अलग करो। अब वो ये एंकल होल्ड वाला है नेक्स्ट स्टेप, लेकिन दोनों को अलग करो। आप यहाँ से जब जाओगे ये डाउन मारोगे, ये यहाँ से ये पैर आगे, देख लें ये लिया और ये पैर आ गया, पुश इधर, नहीं वो पैर आ गया भाई, हाँ ये तो आ ही गया, जब अब पुश कर लो तब तक बॉक्सिंग के तरह बेटा, रेसलिंग में भी फुटवर्क होता है, बड़ा जरूरी होता है। हाँ फुटवर्क तो नहीं है तो पुष्टि नहीं है। हाँ आप कोई भी जो एक्शन करते हो ना, सामने से क्लचिंग करते हो, डबल लेग करते हो, आप आजा क्या कर रहा है करते हो, आप सोचते हो हाथों से मार, देख बैठ जा, लेकिन असल में काम पैरों का है। अगर पैर अपनी सही जगह पहुंच गए जहां उनको जाना है तो एक्शन हो जाएगा। आप हाथ से मारते रहो, पैर पीछे रह गए, आपके घुटने पीछे रह गए, आपके नहीं लगेगा, देर लगाता है। अभी आपने एंकल में जाना है, ठीक है? एक बच्चा के बीच में डेमो दे दे, उसके बाद शुरू करते हैं। दोनों आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, ये उसको डिफेंस भी करना है, ध्यान रखना उसको डिफेंस भी करना है। आप पूरा दो मिनट का राउंड है आपका, एक बार भी कामयाब हुए, क्योंकि सामने वाले को पता है कि डिफेंस आएगा, एक बार भी कामयाब हुए तो समझ लीजिए आप हो गया। मतलब हुआ एंकल से मेरा मतलब क्या हुआ, पूरा एक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे नहीं पता है, अगले को डिफेंस का जानकारी है उसकी। तो अगर आप यहाँ से जाके ये जाके यहाँ से जाके ये भी चलेंगे, ये इतना भी नहीं, बस ये छोड़ सकते हो, ये भी आप चले गए तो एक माल ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार आप यहाँ नहीं जाएंगे, और इस बार आपकी बॉडी यहाँ नहीं रुकेगी, अभी था
अभी आपका ये था, ये यहाँ से ये था। अभी क्या है, अभी आप यहाँ से हैं, ये यहाँ से चल रहे, ये चल रहे, और आपका ये है, ठीक है। होल्ड होना है खाली, पूरे दो मिनट के एक्शन में आप एक बार भी अगर आपकी ये चला गया पीछे, और सुनो, अगर लग रहा है कि अगले का दिमाग सब जगह से हटके केवल एंकल होल्ड के डिफेंस पे आ गया है, तो जो गलती बड़ी कर रहा है उसको मार दो। आई समझ में? एंकल होल्ड में ये फायदा है कि आप डेंजर में नहीं आओगे बहुत, क्योंकि आप नहीं हो सकते, आपकी जो बैक उठी हुई होती है, यानी आप पीछे को जा सकते हो या आगे ही निकल सकते हो। हाँ, क्योंकि साइड में आप जा रहे हो, नीचे दबने की भी आपकी डाउट भी है, ठीक है, गर्दन भी आपकी डाउन रहेगी, कुछ भी रहेगी, आप निकल सकते हो या क्यों नहीं। और मतलब एंकल होल्ड पे जैसे फुटवर्क की हम बात कर रहे थे, हमने ये है, हमने इधर इधर साइड में जाना है, साइड में इसको भी देखना है कि ये वाला पैर इसका इधर लाना, ये वाला भी देखना होता है कौन सा पैर आ गया है, इसको खींचो, ये आ गया, आगे आ गया, है ना, वो भी एंकल होल्ड हुआ ना, ये भी एंकल होल्ड, समझ में आया। वही बात है कि जहाँ आप बच्चा जिसका डिफेंस ज्यादा करेगा, इस तरह से भी हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत पसंद आता है ये बात, इसमें बचने की भी बहुत वो है। ओके, स्टार्ट। दोनों तरफ से लगता है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अगला हो रहा है तो कुछ और बड़ी मिस्टेक कर रहा है, उस तरफ ध्यान दो। मुझे तो कोई लड़ी नहीं था, आप घुसने के जा रहे हो, वही है ना, आ रहा है ना। टच भी आप कर देंगे तो हम मान लेंगे कि हो गया आपका। ना तो है, क्या करें, क्या करें, नाम नहीं करेंगे लड़की, ये क्या कर रही है ये, अगर एक सेकंड को उसको दबा दिया तो शायद उसको निकाल उसको ऊपर कर, अगर तुम सामने ही नहीं देख पाओगे तो गिरोगे यहाँ से। जूता जब पकड़ में आ जाता है तो बॉडी जो है ज्यादा खींचने आ जाती है आपके, अगर दोनों पैर का मूवमेंट है तो दूसरी साइड का भी खींच सकते हो आप, डिफेंस एक साइड से आ रहा है उसका, वहीं पे सिंगल लैग डबल लैग क्यों को था, दोनों हो जाते हैं। हाँ, वो फेल हो गया तो सिंगल लैग कर सकते हैं, डबल लैग कर सकते हैं, एक गांव एक गांव चलते समय कम से कम चार गांव दिमाग में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डबल बनेगी यहाँ से, अगर हाथ ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया तो फिर वहाँ वो कुछ जारी मत रखो, फिर वहाँ से खींच के डबल बनाओ। और बेटा जब कोई तुम्हारे गांव में आता है ना, ये प्रैक्टिस बनाओ कि पूरा किट करो उसे, थोड़ी देर होल्ड करो, क्योंकि वो बच्चे भूल जाते हैं ओरिजिनल लाइफ से। जूते भी कोई अगर तुम्हारे किट हो रहा है ना, उसे थोड़ी देर होल्ड कर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अगर ये आदत बनी रहेगी तो कंपटीशन में काम आएगी। गलत है भाई, आप गलत जा रहे हो, देखो एक अंतर और भी है, आप ये समझिए बात को, आप जो सिंगल ट्रेवल के लिए प्रैक्टिस अभी कर रहे थे तो उसमें बॉडी कॉन्टेक्ट जरूरी है, तो जाओ भाई, उसमें मस्त है कि आप यहाँ से जाओगे, आप यहाँ से जाओगे ना, ये चला के सुचल आके और तब घुसोगे आप। लेकिन जो ये एंकल होल्ड है, एंकल होल्ड में चलाना तो ठीक है, लेकिन स्पेस चाहिएगा आपको जाने के लिए, जितने आगे से आप जाएंगे उतने चांस कम हो जाएंगे आपके यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये नहीं जा रहा है यहाँ से,